बेहतरीन तरह से उनका परिणाम घोषित किया, लगभग सभी छात्रों को प्रमोट करके। इससे छात्र और छात्राएं बेहद खुश हैं, बेहद संतुष्ट हैं। बिल्कुल सार्थक, क्या इस दौरान कोई ऐसे स्टूडेंट रहे जो कि इस बार डिजिटल माध्यम से भी पास नहीं हो पाए और उनका इस बार भी रिजल्ट जो है वो फेल ही रहा? जी बिल्कुल, देखिए क्या है कि इस बार कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो डिजिटली इतना ज्यादा एडवांस नहीं है या फिर टेक्निकली इतनी चीजों को नहीं जान समझ पाते, जिसके कारणवश वो न सही से चीजों को जान पा रहे थे, परख पा रहे थे, और जो पुराने रिकॉर्ड के फॉर्मूले पे यूपी बोर्ड बच्चों को, छात्राओं, छात्र और छात्राओं को जिस तरह से प्रमोट कर रही है पुराने रिकॉर्ड के आधार पे, कुछ छात्र ऐसे भी हैं और छात्राएं ऐसे भी हैं जिनका पुराना रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा, तो इस वजह से उन छात्र छात्राओं को पास नहीं किया गया है। वरना अगर देखा जाए तो लगभग सभी छात्रों और छात्राओं को प्रमोट कर दिया गया है। बिल्कुल सार्थक, जिस प्रकार से हमने देखा कि कई अलग अलग राज्यों के आज 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के परिणाम घोषित किए गए, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में आपसे ये जानना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स के परिणाम जो घोषित किए गए हैं, काफी अच्छे मार्क्स भी सरकार की ओर से दिए गए स्टूडेंट्स को, लेकिन ऐसे में कई बच्चे ऐसे भी रहे होंगे जो कि अपने मार्क्स को लेकर संतुष्ट नहीं हो पाए? जी बिल्कुल, देखिए चूंकि इस बार डिजिटल माध्यम से जो छात्र छात्राओं को पास कराया गया है, प्रमोट कराया गया है, उसमें बेहद ये बात तो बिल्कुल सच है कि कई ऐसे भी जो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, जिनको अपने मार्क्स से संतुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मार्क्स को छोड़कर वो इस चीज से संतुष्ट हैं कि बिना पेपर दिए उनको प्रमोट किया गया है। कहीं ना कहीं ये खुशी उनमें है कि मेरा साल नहीं बर्बाद हुआ या उन विद्यार्थियों का साल नहीं बर्बाद हुआ, ये चीज उनके अंदर एक खुशी का माहौल बनकर उभर रही है। बिल्कुल सार्थक, काफ़ी बड़े और आज का दिन काफ़ी अहम रहा स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि 10वीं और 12वीं दोनों के परिणाम घोषित किए गए, वो भी कोरोना काल के बीच जब एग्जाम रद्द किए गए थे, और ऐसे में सरकार की तरफ से यही कोशिश की गई कि बच्चों को खुशी दी जाए और अच्छे मार्क्स उन्हें दिए गए। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित किए गए, 10वीं में 99.5% छात्र छात्राएं पास हो गए। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विद्यार्थी संवाद कार्यक्रम के तहत कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों से बातचीत की। जबलपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय में मौजूद शासकीय मॉडल स्कूल के कक्षा 11वीं के छात्र मान्या साहू से बात की गई, और इस दौरान मुख्यमंत्री ने मान्या से